आज का विषय है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय लोक प्रशासन के प्रमुख लक्षणों और विशेषताओं को विभिन्न रूपों में वर्णित किया गया है। उन्हें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, कानून के शासन पर आधारित। भारत में लोक प्रशासन कानून पर आधारित है। सारे काम कानून के अधिकार सीमा के भीतर ही होने चाहिए। न्यायालय इस बात को देखता है कि प्रशासन किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। सभी के लिए एक ही प्रकार के न्यायाधिकरण की व्यवस्था है। दूसरा, संसद की सार्वभौमिक सत्ताधारी भूमिका। नहीं, भारत में संसद इंग्लैंड की पार्लियामेंट की भांति सार्वभौमिक सत्ताधारी संस्था नहीं है। संविधान की सीमा रेखा में ही संसद कानून बनाने में सक्षम है। यदि संसद चाहे तो एक विशिष्ट प्रक्रिया से संविधान में संशोधन कर सकती है, पर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकती। तीसरा, प्रशासन पर जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण। लोक प्रशासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में जनता के प्रतिनिधियों के सामने सरकार को अपनी नीति के संबंध में सफाई भी प्रस्तुत करनी होती है। चौथा आता है संघात्मक व्यवस्था। प्रशासन की व्यवस्था संघात्मक है। भारत संघ राज्यों तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों से मिलकर बनता है। राज्यों तथा केंद्रों के बीच प्रशासनिक विषयों के बंटवारे के लिए संविधान में 3 सूचियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है। यहाँ शक्ति का बंटवारा इस प्रकार है कि केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली बन जाता है। अगली विशेषता है समन्वित प्रशासनिक व्यवस्था। संविधान निर्माता द्वारा केंद्र मुखी संघात्मक व्यवस्था का निरूपण करने के कारण भारतीय संघात्मक व्यवस्था के केंद्र मुखी होने और साथ ही एकात्मक तत्वों के समावेश ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के समन्वित स्वरूप का निर्धारण कर लिया है। सैनिक और असैनिक प्रशासन अलग अलग हैं। भारतीय प्रशासन की एक विशिष्ट लक्षण यह है कि लोक प्रशासन संरचना कर्मचारी वर्ग और स्वभाव की दृष्टि से असैनिक है। सैनिक और असैनिक प्रशासन अलग अलग रखा गया है। सेना के अधिकारियों को सैनिक विभाग में रखा जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन प्रणाली। भारत में प्रशासनिक अधिकारियों के चयन का आधार केवल योग्यता है। इस योग्यता के समुचित मूल्यांकन और परीक्षण हेतु निश्चित प्रणाली की व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक सेवा में भर्ती हुए भारत में योग्यता के आधार पर ही चयन किया जाता है। प्रशासन के प्रजातांत्रिक स्वरूप के चयन में योग्यता के निष्पक्ष आकलन की इन विशेषताओं को संविधान ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। संविधान ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन की प्रणाली को अधिकतम निष्पक्ष बनाया जा सके और चयन में योग्यता का आधार ही के अलावा और कोई आधार ना हो। आरक्षण व्यवस्था। संविधान में ये घोषित किया गया है कि राजकीय सेवाओं और पदों पर नियुक्त हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान पूरा किया जा सके। ये भारतीय प्रशासन की एक विशेषता है। फिर आता है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार प्रशासन के 5 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा राष्ट्रीय एकता की स्थापना। फिर आता है संसदीय शासन व्यवस्था। भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप संसदीय है, जिसमें वास्तव में कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के ही हाथों में है। एक अन्य विशेषता में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण भी प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण रखता है। पृथक प्रशासनिक विधि का अभाव है। यहाँ फ्रांस की तरह अलग से प्रशासकीय कानून या न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है। प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता है, अर्थात प्रशासनिक सदस्य सरकार की नीतियों को बिना किसी दलीय
आग्रह के या पूर्ण निष्ठा के साथ क्रियान्वित करते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायित्व। भारत में प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। प्रशासन सामाजिक न्याय और लोक कल्याण के लिए ही कार्य करता है, अर्थात लोक कल्याण, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना का भारतीय प्रशासन का मूल उद्देश्य भारत के संविधान से ही निर्धारित किया गया है। विकेंद्रीकरण पाया जाता है, जहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। इस हेतु प्रशासन तंत्र की शक्तियों का स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं तक विकेंद्रीकरण किया गया है। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन का भी अस्तित्व यहाँ पे पाया जाता है। लोक प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि लोक प्रशासन की एक विशेषता बनती जा रही है। प्रशासन का व्यापक स्तर है और लोक प्रशासन व्यापक स्तर पर चलाया जाता है। प्रशासन के विकसित होने और सरकार के द्वारा नई जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेने के कारण प्रशासन का काम अत्यधिक बढ़ गया है। अंत में निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश के विकास और आधुनिकीकरण करने में जो चुनौतियाँ हमारे सामने आई हैं, उनको दृष्टिगत रखकर ही भारतीय लोक प्रशासन को नए सिरे से परिवर्तित करने, उसे जनतांत्रिक स्वरूप का विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय लोक प्रशासन में सामान्यज्ञों का वर्चस्व पाया जाता है।